First, good afternoon, viewers. First of all, wishing you all a very happy Mother's Day to all the mothers out there. Today, we have with us very special mother-daughter duo, Rashmi Singh and Urmila Ma'am. So these are not just ordinary mother-daughter duos. After 40 years, I guess, they both have taken up paper and pen, like books again, and they are doing their studies again. They have completed two courses together. So I think ma'am, Urmila ma'am needs no introduction. She is a living legend. She has done a lot of things. She's a YouTuber, she's an artist, she's a writer, and the list goes on and on. For her introduction, I would like to request Rashmi ma'am to please introduce her mother in a way that everybody gets to know what she is doing, what she has done, and what she will be doing. Welcome Rashmi ma'am and welcome Urmila ma'am. Thank you so much. Thanks so much for calling us. माँ के बारे में इंट्रोडक्शन हर डॉटर के लिए मतलब एक बहुत गर्व की बात है कि देने का मौका मिलता है. तो मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ 19 साल की थी जब उनकी शादी हुई, और जब वो 20 साल की थी तो मैं हो गई. तो so our journey started right from the beginning, I can say. और हम चार भाई बहन हैं जो मेरी माँ के बच्चे कहलाते हैं, और मैं I'm the eldest. तो हम चारों में से हम तीन बहनें हैं, एक भाई है. भाई सबसे छोटा है. एंड सबसे पहली जो चीज मेरी माँ के लिए सबसे गर्व की बात जो मुझे लगती है वो ये कि उनके हम चारों बच्चे अभी वेल सेटल्ड हैं, और हम सबकी शादियां हो चुकी हैं. एंड आई एम 42 इयर्स नाउ एंड शी इज 62, बट आई विल नॉट से कि शी इज 62, लगती नहीं है. तो द अदर थिंग इज आई एम इन स्टेट गवर्नमेंट, आई एम इन हायर एजुकेशन. मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ मास कम्युनिकेशन में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में. एंड मेरे से दूसरी जो बहन है मेरी, शी इज NDRI में साइंटिस्ट है वो. एंड उसके बाद जो मेरी बहन है, शी इज डॉक्टर, नॉट एन एकेडमिक डॉक्टर बट दी डॉक्टर जी, बिल्कुल मेडिकल डॉक्टर. And she is working with the USAID right now. Or she pursued her master's from London, Queen Mary University. And जो सबसे छोटा भाई है वो है अभी डॉक्टर है. He is also MBBS doctor. And he is the what do you call it, medical officer in HAU Hisar, Haryana Agricultural University के hospital में he is serving there. तो हम चारों को इकट्ठा और इस तरह से सेटल करने में हमारी माँ का और हमारे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा है. तो दिस इज हर बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द डे. उसके बाद मैं शुरू करूंगी कि उनकी जर्नी एज जो मेरे साथ एज स्टूडेंट जो शुरू हुई. मैंने 2002 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी, MSc मास कम्युनिकेशन फ्रॉम GJU. एंड वी यूज्ड टू लिव इन हिसार, शी इज इन हिसार राइट नाउ. एंड उसके बाद हमने आई वाज लाइक 23 इयर्स ऑफ एज, आई गेस 22-23 इयर्स. तो उस टाइम पे हम ये मोबाइल और ये नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था इतना. तो उसके अंदर ये था कि अखबार पढ़ते थे, हम बहुत अखबार पढ़ते थे. तो अखबार में एक दिन वो आई एड आई, और उसमें था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स न्यू दिल्ली का एक एड आया, जिसमें 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स था, विच इज इक्विवेलेंट टू MA इन ह्यूमन राइट्स. तो उसके अंदर जब वो एड आया, तो बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू स्टडिंग, मुझे पढ़ने का शौक है, स्टिल डेट आई एम स्टडिंग. तो माँ ने देखा वो एड, और माँ ने ही मुझे बताया कि एक एड आया है अखबार में, और क्यों ना हम इस कोर्स को करें. इन बिटवीन उन्होंने एक इसी तरह से एक कोर्स का एड आया था इंटीरियर डेकोरेशन का, तो उन्होंने वो भी अपने आप ही कॉरेस्पॉन्डेंट से किया था. तो आई मीन शी इज वेरी कीन इन टू लर्न एनीथिंग. यस, तो उन्होंने इंटीरियर, या
एंड इंटीरियर डेकोरेशन का उनको शौक भी है, आज तक है, और इसलिए उन्होंने वो एक कोर्स किया. शी इज अ सर्टिफाइड इंटीरियर डेकोरेटर. तो उसके बाद जब एड आया तो शी सेड कि व्हाई नॉट यू ऑल्सो डू इट विद मी, ह्यूमन राइट्स में एमए. आई सेड हाँ, मुझे कोई वो नहीं है, मैं करना चाहती भी हूँ और मुझे मजा आता है, तो आई वॉन्टेड टू डू ह्यूमन राइट्स में क्या है. तो शी सेड कि लेकिन मैं तो हिंदी में ही करूंगी, हिंदी मीडियम में करूंगी. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हिंदी में करो और मैं इंग्लिश मीडियम में करती हूँ, लेकिन करोगे तो मैं करूंगी. तो शी सेड हाँ मैं करने वाली हूँ. तो आई सेड व्हाई नॉट. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. और हमने, क्योंकि इट वॉज कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, तो हमें नोट्स आते थे इंस्टीट्यूट से. तो मेरे पास इंग्लिश के नोट्स आते थे, माँ के पास हिंदी के नोट्स आते थे. तो बिकॉज हिंदी में ट्रांसलेशन कम था तो इसलिए बहुत लिमिटेड नोट्स थे उनके पास. तो क्योंकि मेरे पास ज्यादा थे तो उससे क्या था कि हेल्प हम दोनों को एक साथ बहुत हुई. कि माँ को ये था कि हिंदी के अंदर क्योंकि ज्यादा नहीं है तो वो मुझसे डिस्कस करती थी बहुत सारी चीजें. क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से था तो हम कहीं जाना नहीं पड़ता था हमें क्लासेस लगाने के लिए ना. तो इसलिए हम बहुत डिस्कशंस करते थे. शाम के वक्त हम दोनों इकट्ठे होते थे क्योंकि सुबह माँ बिजी होती थी, मुझे भी कहीं अपना क्लासेस के लिए जाना होता था. तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, शाम को इकट्ठे बैठेंगे. तो हम इकट्ठे बैठ के ये सब डिस्कशंस करते. तो दैट इज हाउ आवर जर्नी वेंट ऑन. एंड वी एंजॉयड गिविंग पेपर्स टुगेदर. एग्जाम में हम इकट्ठे बैठ के पेपर दिया तो बड़ा मजा आया. दो साल हमने ये काम किया. और उसके बाद की भी बहुत स्टोरी है मेरे पास. आई टेल यू इन ब्रीफ लेटर. बट अभी के लिए आई कैन से कि हमने ये एमए जो है, मास्टर्स जो है, हमने साथ किया दो साल. तो 2006 में हमने इसको कंप्लीट किया. एंड आफ्टर दैट मैं अपने और आगे की स्टडीज में लग गई. लेकिन माँ अपने दूसरे शौक पूरे करने में लग गई. क्योंकि या आई गॉट मैरिड इन शी नेवर स्टॉप. आई गॉट मैरिड इन 2005 एंड ड्यूरिंग दैट आफ्टर दैट टाइम उन्होंने अपना तंजोर पेंटिंग का एक शौक उन्होंने पूरा किया. फॉर लाइक 20 years शी हैड डन तंजोर पेंटिंग्स. एंड आई मीन इट्स अ ब्यूटी. आई मीन मेरे बैक साइड में भी, इफ यू कैन सी दिस साइड, सो दैट दिस इज वन ऑफ द तंजोर पेंटिंग्स. इफ आई कैन जस्ट मूव द कैमरा, यस. या एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम. आई कैन शो इट टू यू ऑन दिस कैमरा. And Tanjore painting se baad, of course, ab she has her own this thing, website. She has her own website by the name urmilshawkins.com. And I feel quite jealous and motivated. Yeah, it is more of the motivation because I'm into the academics and I'm not doing all these things and she is doing all these things. So it's kind of, you know. And right. She's a published author. She's a writer. She has published 5 books, and she has her own YouTube channel. And she's a motivational speaker. She is Vastu advisor, and what not? I mean, name anything, and she's on digital platform. She's on. Is there anything left that you haven't done? कुछ बचा है तो भी करने के लिए. अभी मुझे लग रहा है मैम की लिस्ट लंबी है. शी इज स्टिल थिंकिंग अभी ये सब करना है. सो आई वुड बिगिन मैम से. पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या चेंज आपने देखा बीइंग अ डॉटर एंड बीइंग अ क्लासमेट? व्हाट क्या क्या चेंज आपको दिखा रश्मि मैम में डॉटर और क्लासमेट का? नहीं, चेंज तो मेरे लिए था क्योंकि बेटी तो उस वक्त भी अपना पढ़ाई ही कर रही थी. और मेरे लिए ये चेंज था क्योंकि मैंने अपनी जो फाइनल ईयर शादी के बाद कंप्लीट किया था, बीए सेकंड ईयर के बाद मेरी शादी हो चुकी थी. तो मैंने 81 में अपना कंप्लीट किया था बीए फाइनल ईयर. तो उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं कुछ और आगे पढ़ूं, एमए करूं या कुछ भी करूं, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी ले रखी थी अपना ग्रेजुएशन में. तो मैं चाहती तो थी ज्योग्राफी में एमएससी करना, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं था. हमारे एचएयू में या हिसार में ज्योग्राफी में एमएससी था ही नहीं.
फिर वही है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, अदर इन लॉ फादर इन लॉ, उनके उसमें मैं लग गई, और अपना जो एक गृहिणी का कार्य होता है अपना, मैं उसी में लग गई बस। फिर पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन वो जो एक जिसको बोलते हैं ना, एक कीड़ा होता है जो कि कुछ ना कुछ करना है, मेरा वो बीच में छूट गया। बस वो एक दिमाग के अंदर ये था कि चलो जब टाइम आएगा तब करूंगी कुछ ना कुछ, लेकिन एमए तक तो मेरे को जरूर करना है, ये एक मेरा दिमाग में जरूर था उस वक्त। और उस दिन 20 साल के बाद जब मैंने वो एड देखी, उससे पहले मैंने 2003 में एक एड देखी थी इंटीरियर डेकोरेटर की ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन नहीं, ये अपना कॉरेस्पॉन्डेंस था दिल्ली से, 6 महीने का था, तो मैंने वो कर दिया। मैंने कहा चलो कुछ तो करूं ताकि मैं एक अकेली यूं तो ना रहूं कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूं। तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे वो प्रिंसिपल थे स्कूल में दोनों ही, और मुझे पढ़ने का शौक तो बचपन से उन्हीं से लगा हुआ था, क्योंकि मम्मी भी अध्यापक पापा भी अध्यापक, तो बस पढ़ने का था ही एक अलग से। हाँ जी, फिर जब ये एड मैंने देखी ह्यूमन राइट्स की, तो बेटी कहने लगी कि आप करोगे तो मैं करूंगी। मैंने कहा मुझे तो जरूर करना है, क्योंकि इसी बहाने मेरी एमए हो जाएगी, 2 साल का है, और मेरे को कहीं आना जाना भी नहीं था, कॉरेस्पॉन्डेंस से था, तो मैंने उसको शुरू कर लिया। और उसमें ये था क्योंकि इसका तो पढ़ाई जारी थी ही उस वक्त भी, ये इसने काफी डिग्रीज ले रखी है, ये लॉ कर रखी है, LLM कर रखी है, इंग्लिश में MA कर रखी है बेटी ने, और मास कम्युनिकेशन में है ये steps. तो बस मुझे ये हुआ कि चलो आप भाई शाम को आएगी बेटी घर पे, तो तब मैं अपना, क्योंकि हिंदी की सिर्फ एक ही बुक मिली मेरे को, बाकी इंग्लिश में आया वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा शुरू से ही हिंदी मीडियम रहा है, तो थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती। हाँ, कि हिंदी मीडियम में भी उतना ही कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं, उस वक्त नहीं था, अब अगर हो तो मुझे पता नहीं, उस वक्त नहीं था, सिर्फ एक बुक थी और उसमें भी लिमिटेड चीजें थी। तो मुझे ये था कि मैंने 20-21 साल के बाद एक पढ़ाई शुरू की है, तो मुझे कुछ अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, ये नहीं कि बस पेपर दे आई और बस पॉइंट पे पास हो गई, ये मेरा बिल्कुल नहीं था। तो बेटी से मैं पूछती थी कि ये मेरे पास सिर्फ इतना ही आंसर है, तुम्हारे पास जो इंग्लिश का है उसमें से मुझे समझाओ, तो ये मुझे समझा देती थी, और वो मैं अपना नोटबुक में लिख लेती थी। और इसी तरह हमारे फिर एग्जाम रोल नंबर आए, तो हमारे आगे पीछे थे रोल नंबर, तो लेकिन वही बात है, इसका इंग्लिश मीडियम मेरा हिंदी मीडियम, और शुरू से दिमाग में भी वो चीज थी कि मम्मी पापा टीचर थे, तो नकल का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर जो थे वो बहुत डिसिप्लिन्ड प्रिंसिपल थे, वो हर चीज में वो ये नहीं देखते थे कि ये मेरे बच्चे हैं तो मुझे ये इनको परमिशन दे दो, वो ऐसा कभी नहीं करते थे। तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड फैमिली थी मेरे मम्मी पापा के हिसाब से, जो जिस परिवेश में मैं पली वही मैंने अपने बच्चों को भी देने की कोशिश की। तो बस ये था कि हमें दिल्ली जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए, और एक हफ्ता लगातार हमारे एग्जाम थे, कोई छुट्टी नहीं थी बीच में, तो वहां मेरी बहन रहती थी उस दिनों में दिल्ली, तो हम उनके पास रुके, और हम गाड़ी लेके गए हुए थे अपनी, बिटिया को चलानी आती थी तब भी गाड़ी, तो हम ले गए, और हम डेली दोनों जाते, सुबह दोपहर को आते, शाम को फिर हम अगले दिन अगले पेपर की तैयारी के लिए करते अपना। बस यूं करके हमारी ये जो जर्नी थी दोनों साल की कंप्लीट हुई, और 2-3 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि इसकी तो पढ़ाई शुरू से ही चली रही है, तो मुझे ये भी नहीं था कि भी बेटी अगर ज्यादा ले जाए, क्योंकि ये टॉप 5 में रही है थ्रू आउट, तो मुझे ये था कि चलो बेटी तो कम से कम अच्छे नंबर लेके आएगी, अगर मेरी सेकंड डिवीजन भी आ जाएगी तो भी कोई चलेगा। लेकिन मेरी फर्स्ट डिवीजन आई और बेटी से मेरे बल्कि 3-4 नंबर ज्यादा आए। इसके अंदर एक एडिशन, माँ भूल गई शायद,
इसके अंदर हमें एक थीसिस का एक काम करना था, जो सेकंड ईयर में हमें एक डिसर्टेशन सबमिट करना था, तो उसके लिए 200 मार्क्स का डिसर्टेशन था वो। तो बाकी एग्जाम्स हमने दे दिए थे, लेकिन डिसर्टेशन के लिए माँ को ये शौक चढ़ा कि नहीं मैं रिसर्च करूंगी, मुझे करना है। मैंने कहा माँ रहने दो, मैं लिखूंगी, कोई बात नहीं, मैं करूंगी। तो इन्होंने जो हमारे बिल्कुल घर के पास ही एक गांव पड़ता था, तो हम नियर बाय उस विलेज में गए, वहां पे एक उन्होंने बना रखा था ये बूढ़ों और जो अनाथ बच्चे हैं उनका एक रहने का एक एक हाँ, अनाथ आश्रम जिनको बोलते हैं यहाँ पे, ऐसे था। हाँ, अनाथ आश्रम या और वृद्धाश्रम दोनों कंबाइंड थे। तो माँ ने बोला कि हम मैं जो है इनके लाइफ और इनके जो ये यहाँ पे रह के इनको क्या मिल रहा है, क्या इन्होंने खोया है, क्या इनका एक्सपीरियंस है, मैं उसके ऊपर कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, करो, लेकिन कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ सोचा है? तो उसके लिए हमारी बहुत डिस्कशंस होती थी, हीटेड डिस्कशंस भी होते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि ये बहुत एडमेंट है इस मामले में कि जो ठान लिया वो ठान लिया। तो ऐसा ठीक है, मैं आपकी ड्राइवर हूँ, जहां चलना है चलो आपका काम होना है, जैसे करवाना है आपने वैसा आप करो। तो वी प्रिपेयर्ड आवर क्वेश्चनेयर्स थॉरली। उसके बाद इन्होंने उनसे 1-to-1 फेस टू फेस जाके उनसे बात की, उनके इंटरव्यूज लिए, शी रिकॉर्डेड देम, उनको पूरा नोट डाउन किया, बिकॉज इन दोज डेज हमें फोन और ये इस तरह का तो सब था ही नहीं। वो दूसरे नोकिया के वो सिंपल फोन आते थे, बहुत ही हैंडसेट्स जो आते थे बटन वाले, तो एंड्रॉइड तो कहीं पे थे ही नहीं। तो वी कुडंट डू इट दैट टाइम, इतना अच्छे से नहीं कर पाए, बट जितना हो पाया इन्होंने बहुत मेहनत से अपना डिसर्टेशन सबमिट किया। मैंने भी शायद इतनी मेहनत नहीं की होगी अपने लिए, लेकिन इनको पूरा शौक था, एंड शी डिड दैट। और मैं मतलब सल्यूट करती हूँ इनके उस यू नो जज्बे को, उस जज्बे को कि इन्होंने इतना उस तरीके से उस काम को किया और बहुत अच्छे से ये किया। है मेरी, ये है मेरी रिसर्च फाइल। ओह माय गॉड, शी स्टिल ओन्स इट। आई एम ट्राइंग टू रीड इट एक्चुअली। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गैर सरकारी संस्थान में औरतों और बच्चों के मानव अधिकार। तो मैंने औरतों और बच्चों पे किया था और 2 महीने ये मेरी रिसर्च चली थी। फिर मैंने उस पे बैठ के थीसिस लिखा और वो एक कॉपी जो है मेरी वहां पे सबमिट हो गई। आपके पास ये अब तक है? हाँ, क्योंकि मैंने 2 कॉपी बनाई थी ना, एक एक तो वहां पे सबमिट हो गई और एक एक कॉपी मेरे पास है, 4 फाइलें हैं ये ऐसी। आई गेस माँ आपको इसमें नंबर भी काफी अच्छे मिले थे, 150 से प्लस मिले थे इनको आउट ऑफ 200। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मेहनत से तो प्रूव्ड इट। यस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑल कमिंग आउट, ऑल द मेमोरीज दैट यू गाइस शेयर इन दैट स्पैन ऑफ 2 years, दैट इज स्टिल अलाइव, दैट इज स्टिल सो फ्रेश एंड रॉ इन योर मेमोरीज। So that's just Correct. coming out. Yeah, that's yeah, it comes out instantly. और उसके बाद में ये कहाँ रुक रही है? अभी नहीं रुक रही है, अभी बहुत ही recently इन्होंने तकरीबन 6 महीना पहले अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया। मैंने कहा माँ कहीं रुकोगे? She said no. She's a published writer. She's on Google Books. Her 3 books are on Google. And her 3 books are on international platform. She is in 7 countries right now. Available on like Amazon, Flipkart, और पता नहीं international कितनी sites हैं, I can't even remember the names. तो इतने सारे Canada, UK, Australia, US और पता नहीं कहाँ कहाँ, even Germany, Spain, वो Spanish में भी लिखे हुए आते हैं इनके, कोई कितने dollar में बिक्री है, कोई कितने sterling में बिक्री है इनकी किताब online. So I'm so amazed sometimes कि और खुद ही select किया इनके जो इनका जो पब्लिशर है उन्होंने और अमेज़न ने भी इनकी बुक को खुद ही चूज किया कि हम इसको इंटरनेशनली करना चाहते हैं, आर यू ओके विद दैट? एंड शी सेड व्हाई नॉट। मैम आप अपनी बुक्स के बारे में कुछ बताइए कि किस टॉपिक पे है वो। देखिए मैं पहले तो ये करने के बाद जब बेटियों की शादियां हो गई और छोटी बेटी मेरी वहां जयपुर से उसने MBBS किया है,
तो वो वहां पे पढ़ने चली गई। एक साल बाद बेटा जो है वो भी एमबीबीएस करने चला गया, तो मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। और मुझे घर जो है ना, क्योंकि घर पे बच्चे थे नहीं, तो मुझे घर खाने को आता था, तो मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लग गई। तो बच्चों ने जैसे, क्योंकि वो छोटे वाले फोन होते थे, तो ये फोन करते बोलते मेरे से बात करते, मैं रोने लग जाती, कभी हंसने लग जाती, कभी मैं चक्कर खा के गिर जाती। तो बच्चों ने मुझे संभाला, बोले आपके और भी हॉबीज हैं, आप वो काम करो। तब मैं तंजोर पेंटिंग सीखने लगी, और फिर मैंने तंजोर पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी बनाई, बहुत सारी गिफ्ट्स भी दिए मैंने काफी लोगों को। उसके बाद मुझे सीवियर माइग्रेन होने लगा, क्योंकि तंजोर पेंटिंग जो है बहुत बारीक काम होता है उसके अंदर, और उसमें क्या होता है कि गोल्ड लीफ लगती है उसके अंदर, गोल्ड फॉयल लगता है, ओरिजिनल गोल्ड फॉयल, और बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक हर तरह के उसमें सेमी प्रेशियस स्टोन लगते हैं, तो बहुत बारीक काम होता है उसके अंदर। तो वो मैंने क्योंकि काफी साल बनाई, तो उस वजह से मुझे आंखों पे भी असर हो गया और माइग्रेन भी होने लग गया। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं आप ये मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर माइग्रेन होने लग गया था मुझे, तो वो मैंने छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद मेरे सामने वही चीज, क्योंकि छोटी बेटी की भी फिर अपना वो भी लंदन चली गई, बेटे की भी शादी हो गई, मैं फिर वही अकेली की अकेली। फिर मैं इनको कहने लगी कि मैं करूं तो करूं क्या। बच्चों को ये पता था कि मैं लिखती थी, मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था, और मैं क्योंकि अपने स्कूल में भी अपना खुद लिखा हुआ मैं वहां पे बोलती थी। उन दिनों में ये चीजें नहीं होती थी कि आप कुछ भी बोलो, कहीं पे भी जाओ और वहां आपको सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ स्कूल में प्रोग्राम होते थे, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, बाल दिवस पे, और उन्हीं पे हम जो भी होता था कि भी अपना लिखोगे तो और अच्छा होगा। और उन दिनों में सिर्फ दो चीजें इनाम में मिलती थी, या तो कॉपी और या पेन, और पेन भी जी की निब का, क्योंकि यही ऐसे ही लिखते थे हम, ये वाले पेन नहीं मिलते थे हमें। तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्राइजेस भी मिले स्कूल में, और फिर कॉलेज में भी मैंने एक दो बार स्पीच दी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो इन चीजों से फिर मैं दूर हो गई, लेकिन मैंने लिखा जो था वो कहीं इधर उधर, क्योंकि उस वक्त तो कोई ये तो था नहीं, मैंने जहां मन में आया मैं वहीं पे लिख देती थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ क्या चीज है। और वो शादी के बाद वैसे ही बच्चों में बिजी हो गई, तो कोई ध्यान ही नहीं था। फिर मैंने, बच्चों ने जब कंप्यूटर आया तो इन्होंने बल्कि मेरी वो बना दिया, ये फेसबुक पे अकाउंट, हाँ ईमेल आईडी बनाया, फेसबुक जब चले तब इन्होंने मेरा वो बना दिया। तो मैं बोल रही कि मैं करूंगी कैसे, अब ये तो सारा कुछ इंग्लिश में है। तो मैं कई साल कुछ नहीं कर पाई। फिर जब मुझे लगा, जब सब कुछ डिजिटलाइज हुआ और ये आने लगे, एंड्रॉयड फोन आने लगे, तब तक मैं अपना बस यूं ही लगी रहती, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट घर पे कर लेती, कभी कुछ सिलाई का काम, मतलब मैं लगी रहती थी। तो उसके बाद मैंने फिर जब ये फोन हाथ में आए तो मैंने लिखना शुरू किया। कुछ तब तक थोड़ा बहुत अपना डायरीज में लिख रखा था, वो भी मैंने फिर फोन में अपना लिखना शुरू किया। इसके अंदर, फोन के अंदर तो वो डायरी वाले ऑप्शंस आते हैं, तो मैंने वो सारा फिर उसमें उतारा। और उसके बाद जो है, जब 2 साल हो गए मुझे लिखते हुए, मैंने फेसबुक पेज बनाया अपना, उस पे मैं लिखने लग गई, तो वहां पे मुझे अच्छे व्यूज मिलने लगे, राइटर्स भी आने लगे मेरे उसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर अच्छे वो अपने अपने व्यूज दे रहे थे। तो मेरी काफी उसमें जो भी मेरा वो था मटेरियल काफी हो गया था। तो बच्चों ने एक दिन देखा कि आपका इतना मटेरियल हो गया, मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो बच्चों, इनको सबको ना टाइप करवा दो सारा का सारा। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये वर्ड में होता है या कैसे जाता है, तो छोटे वाली बेटी ने मुझे सिखाया कि आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करो और फिर हम इसको टाइप करवाएंगे। फिर वो टाइप वाइप हुआ तो वो इतनी मोटी वो बन गई। अच्छा। तो मैंने 2 साल में लिखा था तो वो बन गई, क्योंकि मैं लिखती हूँ कविताएं, गजल अब मैं सीखने लगी हूँ, साल भर से 1.5 साल से सीख रही हूँ, लेकिन मैं कविताएं लिखती थी। और वो इन्होंने बनवाया तो मैंने कहा कि इसमें तो ये बच्चों ने सबने देखा, तो बेटा बोला कि माँ इसमें तो आपकी 3-4 किताबें बन जाएंगी सारी, इसमें इतने मटेरियल में, आप यूं करो आप इसको ना एडिट करने लग जाओ, क्योंकि फोन में था सारा मटेरियल, तो मैंने उसको बैठ के एडिट करना शुरू किया।
छह महीने में वो मैंने सारा एडिट किया, फिर बच्चों ने ही, नोशन प्रेस है चेन्नई में, बेटे ने फिर वहां बात की और उससे फिर सारा कुछ उसने डिस्कस किया, फिर मैंने इनके पास, बेटे के पास भेज दी गई, उसने पीडीएफ पे कन्वर्ट करके वहां भेजी मेरी। तो पहले मेरी 3 बुक पब्लिश हुई, उसके बाद फिर 2 बुक 6 महीने बाद पब्लिश हुई, और ये बात है 2017 की। फिर 2019 में मेरी 2 बुक पब्लिश हुई, और उसमें मेरी ये है कि ये मैं आपको बताऊं, पहले वाली तो मेरी है, अभी दिखाते हैं आपको, आपके पीछे ही रखी है सारी बुक्स। सबसे पहली बुक थी मेरी इजहार। अरे कवर बुक, इसका, इसका और ये कवर जो है, ये मेरी सबसे छोटी बेटी जो डॉक्टर है, सुरभि शौकन, सारे मेरे बुक्स के कवर उसी ने डिजाइन किए हैं। तो पहली पुस्तक ये है मेरी, उसके बाद जो है मेरी पुस्तक है ये बेटी की पाती। अच्छा, ये बेटी की पाती है। फिर तीसरी पुस्तक तब मेरी छपी थी, उत्सव कविताओं की कुसुमावली, सबके कवर बेटी ने डिजाइन किए हैं। बहुत सुंदर है, नाम भी बहुत सुंदर है सबके, नाम मैंने खुद से चूज किए हैं, कवर बेटी ने डिजाइन किए थे। फिर उसके बाद मेरी 2 किताबें आई, नूरे आफ्ताब, ये गजल की किताब है, गजल नज्म कह सकते हैं, गजल उस वक्त मैं सीखना शुरू किया था तो ये प्रॉपर गजल नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ जो जैसे पहले सीखते हैं मैंने काफी कोशिश की है। उसके बाद मैंने, अभी निकलेगी मेरी, मैं और 2 महीने बाद गजल की एक बुक अपनी पब्लिश करवाऊंगी, अभी मेरे पास 70 गजल हो चुकी है। तो ये है मेरी लास्ट बुक, लफ्जों का गुलदस्ता। इसके अलावा मेरे 2 बुक्स जो हैं वो सांझा काव्य संकलन आए हैं, जिसमें 20-25 राइटर्स के साथ हैं, वो भी रखी तो कहीं यही होंगी, ये रही सांझा संकलन आए हैं। एक तो है गीत वतन के गाएंगे, इसमें ये 25 राइटर हैं पीछे। अच्छा, ओके, सबने कंबाइन, इन सब के साथ, हाँ कंबाइन करके। और एक आई है मेरी हौसले के सब, इसमें भी 25 राइटर हैं। अच्छा, तो ये सारे जो हैं मेरे, इनके साथ ही मेरी ये छपी है, ये समदर्शी प्रकाशन ने छापी है, और जो मेरी 5 किताबें हैं वो नोशन प्रेस ने छापी है। तो ये ऐसे ये करके मेरी बस ये जर्नी अभी चल रही है। उसके बाद मैंने साल भर पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और उसमें मेरी 300 सब्सक्राइबर्स आए हैं। हाँ, 300 के आसपास हो चुके हैं सब्सक्राइबर, और 125 के आसपास शायद मेरी वीडियोस होगी, मैंने चेक ही नहीं की है कि कितनी वीडियोस हो गई उसके अंदर। लेकिन ये है कि मुझे ये है, अभी मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू किया है, थोड़ा सा घर में काम की वजह से टाइम कम मिलता है, तो अभी सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे करना अपने यूट्यूब पे वीडियो। मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं अपना फोन में वीडियो बनाती हूँ और उसको काइन मास्टर से अपलोड करती हूँ, धीरे धीरे दूसरे यूट्यूब चैनल से के कैसे क्या कुछ करते हैं उनको देख के सीख के फिर मैं ये काम कर रही हूँ। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि भी कोई बहुत बड़ा सेटअप है या और कुछ है, मैं सिंपल अपना फोन में अपना करती हूँ, और छोटा सा ट्राइपॉड है उसके ऊपर मैं इसको रख लेती हूँ, बाद में उसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत आता है एडिट करना, तो अभी सीख रही हूँ और आगे देखो जब तक चली वो कर रही हूँ मैं, बस यही है। और जहां तक लिखने की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, 3 बेटियों की माँ भी हूँ, और जो संस्कार मुझे मिले हैं मेरे मम्मी पापा से, तो उससे लेके अब तक जो जीवन का, जो जिंदगी का जो तजुर्बा रहा है, मैं ये होता है कि एक तो मैं प्रकृति प्रेमी भी हूँ, मेरे सारे बच्चे प्रकृति प्रेमी हैं, हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं 25 से 30 साल पुराने पेड़ पौधे हैं हमारे घर में, सभी इन बच्चों ने साथ मिलके लगाए हैं मेरे, वी हैव अ फार्म हाउस, तो उसमें काफी पेड़ पौधे हैं। हाँ,
वो जो चीजें हैं मैं पर्यावरण पे भी लिख देती हूँ, मैं औरतों पे भी लिख देती हूँ, मैं क्योंकि मेरी माँ जो थी वो फौजी अफसर की बेटी थी, तो मैं आर्मी पे भी लिख देती हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा ये होता है कि ये चीज हो रही है बहुत गलत हो रही है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उस चीज की, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड वो हो गया ना कि दो दो लड़ाइयां लड़ी हैं, तीन तीन लड़ाइयां लड़ी हैं मेरे नाना जी ने, मेरे मामा जी ने, और फिर मेरी खुद की फैमिली में भी, मेरे परिवार में भी, मेरे जो ताऊ जी थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे और वो इससे INA से भी जुड़े हुए थे उस वक्त, वहां पे वो अफसर थे, वो 7-8 साल तक तो अंडरग्राउंड भी रहे थे, उनका हमें पता ही नहीं था, आजाद हिंद फौज में अफसर थे वो। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से मुझे ये चीजें तकलीफ भी बहुत देती है। मैं पॉलिटिक्स पे भी लिख लेती हूँ, लेकिन अब मैंने उस पे लिखना छोड़ दिया। तो इवन आज आप डे है उस पे कुछ कुछ बोलिए, मतलब कुछ कविता, कुछ गजल, जो भी आप कुछ बोलना मैं, क्योंकि मदर्स डे है कल, देखो मेरा तो ये मानना है कि मदर्स डे तो आप एक दिन में बांध नहीं सकते, बिल्कुल सही बात क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता जो है मरते दम तक रहता है, है। और जो माँ की ममता होती है उसको हम एक दिन में कैसे बांट पाएंगे, नहीं खुद ही बिल्कुल सोचिए। और माँ को ही, एक औरत को ही भगवान ने ये चीज दी है कि वो ही बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो रिलेशन जो है वो बहुत खास होता है। तो मैंने उसी के ऊपर ये लिखा है, क्योंकि मुझे ये बहुत तकलीफ होती है, हर चीज का एक दिन बना दिया, क्योंकि ये डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, तो एक ही दिन मनाएंगे हम, बाकी दिन भी तो होने चाहिए ना। हाँ, नहीं मुझे तो लगता है कि दिन महसूस करने के लिए हर दिन होता है, लेकिन उस बात को याद करने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन है कि हम जो भी कुछ है वो उस दिन बयां करें, सेलिब्रेट करें। बिकॉज हम हर दिन सब इतना बिजी होते हैं, टाइम नहीं मिलता कि हम जाके अपनी मदर को बताएं कि वो कितनी स्पेशल है, या कुछ भी चीज, मतलब जो भी स्पेशल डेज होते हैं। तो एक दिन मुझे लगता है बहुत अच्छा मिलता है सबको कि आपने जो आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप बोलना चाहते हो वो जाके बोलो। दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप कभी भी करो, लेकिन एक हाँ, दिन है तो शायद एक मौका सबको मिलता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल के जो डिजिटल उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे आ रहे हैं, मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रही, जो आजकल के जो हाँ, टीनेजर्स आ रहे हैं वो वो बिल्कुल क्या करते हैं, जो मुझे लगता है फेसबुक पे भी ट्विटर पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन को ये मना के खुश हो लेते हैं, बाकी माँ क्या बोलती है उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता, सिर्फ अपने फोन में लगे रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसलिए जा रहे हैं कि उनको कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने उनके जो है फॉलोवर बन रहे हैं, ये चीजें जो है ना ये मुझे तकलीफ देती है, नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही कहा जो आप। एक आप मनाइए ये बात सही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बिजी लाइफ है सबकी, और एक दिन आप कर लोगे तो वो भी ठीक है, और माँ को तो इसकी भी जरूरत नहीं है। देखा जाए तो माँ तो हमेशा ही बच्चों के लिए ही प्रे करेगी, चाहे वो सुबह शाम जब भी उनके सामने आएगा, बच्चे का ये पता लग जाए कि अरे आज उसका ये प्रोग्राम है या ये ऐसा है, माँ फटाक से, अब तो फोन है, बोलेगी बेटा ऑल द बेस्ट, आप खुश रहें, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसको बधाई देगी। तो माँ तो ये होती है, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये है कि वो एक दिन मना के और वो खुश हो लेते हैं, वो ज्यादा परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उनका साथी फोन बन गया है सबसे ज्यादा। नहीं बात ये जो चीज है, और बिल्कुल जो ये बच्चे, जो मेरी बेटी बैठी है, जो इस उम्र के बच्चे हैं या जो मेरे बच्चे हैं उस उम्र के जो बच्चे हैं, वो अभी भी उनके अंदर वो फीलिंग्स हैं, चाहे एक दिन हो या ना हो, वो हर रोज माँ को भी याद करेंगे, बाप को भी याद करेंगे, अपने बहन भाइयों को भी याद करेंगे, वो सभी को याद करेंगे। और वो ज्वाइंट फैमिली में अगर हैं तो वो और भी अच्छी तरह से उन चीजों को देख पाते हैं। सही बात तो मेरी ये जो एक रचना है, मैंने बेटी की पाती में लिखी थी ये, मैं वो पढ़ के बता रही हूं आपको। मातृ दिवस यानी माँ का दिवस, लेकिन क्या एक दिवस में माँ की ममता, प्यार, दुलार, लोरियां क्या हम समेट सकते हैं? नहीं, ये वरदान सिर्फ और सिर्फ एक औरत को ही मिला है। औरत जब माँ बनती है वो लम्हा सबसे खूबसूरत होता है, दिल में सरगम बजती है, पैर थिरक उठते हैं, पति
प्रत्येक दिन नई लोरी जन्म लेती है। वो भविष्य को बोलना सिखाती है, शब्दों का तोतलापन उसे नई ऊर्जा देता है। सीने का मखमली बिछोना, बाहों के तकिए और माँ का प्यार भरा चुंबन जब आने वाले कल को मिलता है, वो बच्चा बिना डरे सुनहरे सपनों में खो जाता है, सुकून भरी नींद पाता है। ये एहसास माँ जीवन भर नहीं भूल पाती। गर्भ के आवरण में होते हुए वो कितनी बातें करती है, कितने सपने देखती है, स्वयं के लिए नहीं देखती वो सपने, उस अजन्मे बच्चे के लिए देखती है जो उसके गर्भ में पल रहा होता है। बेटा हो या बेटी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस माँ है। वो अनजानी राहों पर उसे चलना सिखाती है, पूरा प्यार लुटाती है, हर परिस्थिति में साथ निभाती है, खुद गीले में सोती है, कितनी रातें जाग कर बिताती है। कभी कभी पिता के गुस्से से भी वो बचाती है, चोट लगे तो अपने पल्लू को फाड़ कर उसे बांध देती है। बच्चे की खुशी में खुश और उदासी में उदास रहती है। अपने जज्बातों को आसानी से छिपा लेना उसे बखूबी आता है। जुदाई जब होती है बच्चों की, तो आंखों के कोने से ढलकते हुए पानी के कोने को, पानी के कोर को बड़ी सफाई से साफ करके चुप हो जाती है और पता भी नहीं लगने देती कि बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं और माँ को तकलीफ हो रही है। उंगली के पोर से जब वो आंसू पूछ लेती है, क्या ऐसा और कोई कर सकता है, कौन कर सकता है भला बताइए, सिर्फ माँ ही कर सकती है। जो कतरा कतरा लहू अपने बच्चे के नाम करती है, अपने बच्चे बच्चों की खुशियों के लिए ईश्वर के सामने आंचल फैलाए रहती है, कितना लिखूं क्या लिखूं, मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे, माँ शब्द आसमा से आसमा जितना विशाल है, धरा जितना माला माल है, रवि के जैसा ऊर्जावान है, चांद के जैसी शीतल मुस्कान है, तभी तो कहते हैं माँ के कदमों में दोनों जहान है, माँ के कदमों में दोनों जहान है। आप सभी को, आपको भी बेटियां हैं आप भी, आपकी माओ को भी, और जो भी सुनने वाले हैं सभी को मैं मातृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। और उन माताओं को, उन बेटियों को जो माँ बन चुकी हैं, उनको ये भी कहती हूँ कि ममता एक ऐसी चीज है, इसे ये वरदान के रूप में हमें मिला है, तो इसको पूरी तरह से निभाएं भी और बच्चों को सिखाएं भी। बस यही कहना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत ही सुंदर आपकी कविता थी, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके, आप दोनों से आपके बारे में जान के, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, बिकॉज अभी मुझे पता है बहुत चीजें हैं जो आपको करनी है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। और बहुत हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के कि वो आपके Thank you. पसंद कर Thank you so much. Thank you so much. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और वो भी बेटी के साथ, तो मुझे भी ये शेयर करने का मौका मिला और ये बहुत अच्छी बात है, और माताओं को भी वो मिलेगी, इससे प्रेरणा मिलेगी, बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बहुत परिवार है ऐसे जहाँ माएं भी कुछ करना चाहती हैं, जहाँ बेटियां भी बहुत कुछ करना चाहती हैं, और ये एक अच्छी बात है कि माँ बेटी अगर कुछ मिलके करेंगी तो वो अलग ही निकल के आएगा समाज के लिए। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास शब्द नहीं है इनके बोलने के बाद कि मैं कुछ कहूँ। थैंक यू।
आप कुछ अंत में बोलना चाहेंगी तो आप अपनी जरूर बोलिए। नो नो, थैंक यू, इट्स वंडरफुल व्हाट एवर शी हैज सेड, और मैं इनसे बेहतर इसको कंक्लूड भी नहीं कर पाऊंगी, और आई कैन ओनली से थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड यू आर वंडरफुल रिनी, एंड थैंक यू विमेन टाइम फॉर यू नो थैंक इनवाइटिंग अस. यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.